वो काम करना आपको बहुत पसंद है क्लासरूम में, आप जोक जोक से वो एनर्जी से चिल्लाते हो, जोक जोक से वो एनर्जी से चिल्लाते हो स्टूडेंट्स, यस दैट्स का एक स्टूडेंट्स, क्लासरूम में हीट किधर से जनरेट करते हो स्टूडेंट्स, क्लासरूम में आप क्या करते हो, जोक जोक से चिल्लाते हो, मतलब वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर साउंड स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर साउंड टुडे. All right. So, okay. I hope you are able to see me, students. All right, students. So let us get started with new chapter, students. We are going to start with the chapter sound. We are going to start with the chapter sound, students. Right. All right. So let us get started with the chapter sound. All right. So students, we have understood that हम लोग ने काफी सारे अलग अलग टाइप के energies पढ़े. We know that the energies are in different forms. If I have to name few type forms of energy, there's light energy, which we spoke about in the last lecture. Then there is electricity, students, electrical energy, which we spoke in the previous semester, students. There is heat energy, there is light energy, there is solar energy, students. Now today we are going to talk about the sound as a source of energy, students, or sound as a form of energy, students. Okay? Acha, agar जस्ट जस्ट मेक अ नॉइज स्टूडेंट, ऐसे कुछ आवाज बनाओ, हमिंग साउंड बनाओ स्टूडेंट्स, मेक अ हमिंग साउंड, मेक हमिंग साउंड स्टूडेंट्स, एंड ट्राई टू टच ऑन योर थ्रोट स्टूडेंट्स, इफ यू मेक अ हमिंग साउंड, वेन यू मेक अ हमिंग साउंड स्टूडेंट्स, टच योर थ्रोट स्टूडेंट्स, कुछ आवाज बना के टच योर थ्रोट स्टूडेंट्स, वट डू यू फील, माई क्वेश्चन इज वट डू यू फील स्टूडेंट्स, दैट्स करेक्ट स्टूडेंट्स, यू फील वाइब्रेशंस, वट डू यू फील स्टूडेंट्स, वाइब्रेशंस. तो स्टूडेंट्स साउंड कब जनरेट होता है, साउंड तभी जनरेट होता है जब भी वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं स्टूडेंट्स, साउंड तभी जनरेट होता है व्हेन देयर इज वाइब्रेशंस, राइट. इफ आई टेक अ सरफेस स्टूडेंट्स एंड इफ आई बैंग अ सरफेस, कैन यू लिसन टू द साउंड स्टूडेंट्स, कैन यू हियर द साउंड स्टूडेंट्स, यस. सो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट को आप बैंग करते हो, व्हेनेवर यू हिट एन ऑब्जेक्ट with another object, students, that object, it starts creating sound. That object start creating sound. Acha, agar aapke samne table hoga, just bang that table, students, bang that table. What will you feel? If you are sitting on that table, students, what will you feel? When you bang that table, you will feel vibrations, and also those vibrations, students, creates sound. Those vibrations, what do they do, students? The vibrations create sound. So sound is created when there is vibration, or sound is created when the source is vibrating, students. Sound is created when the source is vibrating. So vibration creates sound. Vibration kya karta hai, students? Vibration creates sound. ठीक है? Now students, अगर आपको let us say, अगर आपको probably घाटकोपर से चर्च गेट जाना है, मुलुंड से चर्च गेट जाना है, right? घाटकोपर से चर्च गेट जाना है, मुलुंड से चर्च गेट जाना है, अंधेरी से चर्च गेट जाना है, या इफ यू हैव टू ट्रैवल टू एनी प्लेस, हाउ विल यू गो स्टूडेंट्स, हाउ विल यू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, हाउ विल यू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यू माइट गो बाय कार, यू माइट गो बाय मोटरसाइकिल, यू माइट गो बाय ट्रेन स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स आपको एक पॉइंट से, एक जगह से दूसरे जगह जाना होगा स्टूडेंट्स. What you need is, you need a medium. क्या चाहिए आपको students? You need a medium. Yes, you need a medium of transport. You need a mode of transport. Right? अगर train बंद होगा students, will you be able to go to one place to another? नहीं. अभी pandemic चालू है students, plane बंद है, trains बंद है, cars बंद है students, vehicles बंद है students. तो आप कहीं पे भी जा पाते थे क्या students? नहीं. You were at one place, isn't it students? तो students, sound भी ऐसा ही है students. साउंड भी ऐसा ही है, साउंड को एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करना है स्टूडेंट्स. तो साउंड को क्या लगता है, साउंड को एक मीडियम लगता है. व्हाट डज साउंड नीड स्टूडेंट्स, साउंड नीड्स अ मीडियम. साउंड फॉर साउंड टू ट्रेवल, साउंड टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, साउंड नीड्स अ मीडियम. तो स्टूडेंट्स साउंड एक ऐसा एनर्जी है जिसको मीडियम की जरूरत होती है. साउंड एक ऐसा एनर्जी है, साउंड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल. अगर मीडियम नहीं रहेगा, अच्छा व्हाट आर द मीडियम स्टूडेंट्स, व्हाट आर द मीडियम्स इन दिस केस, व्हाट आर द मीडियम्स इन दिस केस, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम लगता है, व्हाट मीडियम आर वी टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स,
वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड, वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट गैस स्टूडेंट्स. वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस स्टूडेंट्स. तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या लगता है स्टूडेंट्स अपने को, सॉलिड लगता है, लिक्विड लगता है, नहीं तो स्टूडेंट्स गैस लगता है. साउंड ये तीन मीडियम्स होंगे तो ही साउंड ट्रेवल कर सकता है स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स कैन साउंड ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, कैन साउंड ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम स्टूडेंट्स कैन साउंड ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, नहीं साउंड वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं कर सकता स्टूडेंट्स. साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम. साउंड वैक्यूम से ट्रेवल क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज वैक्यूम मीडियम ही नहीं होता स्टूडेंट्स. वैक्यूम में कोई मीडियम ही नहीं होता स्टूडेंट्स, राइट. अच्छा, साउंड वैक्यूम से क्यों नहीं ट्रेवल कर सकता, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट शॉर्टली. बट एज ऑफ नाउ स्टूडेंट्स व्हाट वी अंडरस्टैंड इज साउंड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी स्टूडेंट्स. व्हाट इज साउंड, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल. साउंड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको मीडियम लगता है ट्रैवल करने के लिए. क्या लगता है स्टूडेंट, साउंड को ट्रैवल करने के लिए इट नीड्स अ मीडियम एंड द मीडियम कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड और इट कैन बी गैस. अगर ये मीडियम्स नहीं रहेंगे स्टूडेंट्स तो साउंड ट्रैवल नहीं कर पाएगा, राइट. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट लेटर ऑन. एज ऑफ नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज द साउंड डू. तो स्टूडेंट्स साउंड की वजह से कैन यू योर स्टूडेंट, साउंड की वजह से आप देख सकते हो या सुन सकते हो. साउंड की वजह से आप देख सकते हो या सुन सकते हो स्टूडेंट्स. करेक्ट, यू कैन योर बिकॉज ऑफ साउंड. व्हाट यू डू इज स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ साउंड यू आर एबल टू योर. तो स्टूडेंट साउंड क्या करता है, अपने कान में सेंसेशन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स. व्हाट डज साउंड डू स्टूडेंट्स, साउंड क्रिएट्स अ सेंसेशन इन आवर ईयर स्टूडेंट्स. एंड वो सेंसेशन को हम लोग ईयरिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, दैट सेंसेशन व्हिच वी experience inside our ear is called as hearing students. So sound is an energy. If I have to define sound students, what is sound? Sound is a form of energy jo apne kano mein ek sensation create karta hai, sensation of hearing students. So sound is an energy which creates sensation of hearing. Theek hai, to ye aise maine kya kiya, ek simple definition bana diya sound ka. Abhi sound ko agar generate karna hai to aapko kya chahiye students? Sound ko generate karne ke liye aapko वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए स्टूडेंट्स. व्हाट डू यू नीड स्टूडेंट्स, साउंड को जनरेट करने के लिए यू नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी. व्हाट डू यू नीड स्टूडेंट्स, वाइब्रेटिंग बॉडी. अगर वाइब्रेटिंग बॉडी होगा तो ही साउंड जनरेट होगा. अगर ये बोर्ड स्टिल रहेगा उसमें से कुछ आवाज आ रहा है स्टूडेंट्स, बोर्ड अगर स्टिल होगा आवाज आ रहा है स्टूडेंट्स, नहीं. बट इफ आई बैंग दिस बोर्ड स्टूडेंट्स, द बोर्ड विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड सो विल इट क्रिएट साउंड स्टूडेंट्स, राइट. मंदिर की घंटी होती है ना स्टूडेंट्स, मंदिर की घंटी होती है, अगर आपने उसको जोर से बैंग किया स्टूडेंट्स, यू विल स्टार्ट हियरिंग साउंड. स्कूल बेल, यस, एनी मेटल आर्टिकल स्टूडेंट्स, इफ यू बैंग इट स्टूडेंट्स, इफ यू बैंग इट, इट इज गोइंग टू क्रिएट साउंड स्टूडेंट्स, इट इज गोइंग टू क्रिएट साउंड. तो स्टूडेंट्स व्हाई डज अ वाइब्रेटिंग सब्सटेंस, व्हाई डज अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट साउंड. अब सोच रहे होंगे सर, कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट करता है, व्हाई डज इट क्रिएट साउंड. सो देयर इज अ सिंपल एग्जांपल फॉर इट, देयर इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर इट स्टूडेंट्स, व्हिच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोक. व्हाट आर वी गोइंग टू हेल्प लर्न अंडरस्टैंड इट विद स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोक. ट्यूनिंग फोक, सो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस बाय ट्यूनिंग फोक. अच्छा, ट्यूनिंग फोक, हैव यू हर्ड दिस ऑब्जेक्ट ट्यूनिंग फोक स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स ट्यूनिंग फोक जो होता है ना, हाउ डज दिस लुक स्टूडेंट्स, ये ना ऐसा दिखता है स्टूडेंट्स. इट इज अ लैबोरेटरी स्टूडेंट्स, इट्स अ लैबोरेटरी इक्विपमेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, इट्स अ लैबोरेटरी इक्विपमेंट स्टूडेंट्स. ये ट्यूनिंग फोक है स्टूडेंट्स. अगर ये ट्यूनिंग फोक को आपने पकड़ के ऐसे जोर से इसको बैंग किया, ट्यूनिंग फोक को पकड़ के आपने उसको ऐसे बैंग किया स्टूडेंट्स, तो ये क्या करने लगते हैं, ये जो प्रॉन्ग्स है स्टूडेंट्स, व्हाट आर दीस कॉल्ड एज, दीस आर कॉल्ड एज प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिंग फोक. व्हाट आर दे कॉल्ड एज स्टूडेंट्स, दीस आर कॉल्ड एज प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिंग फोक. एंड स्टूडेंट्स ये जो है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेम. व्हाट डू वी कॉल इट एज स्टूडेंट्स, स्टेम. व्हाट डू वी कॉल इट एज स्टूडेंट्स, स्टेम. तो स्टूडेंट्स ये स्टेम and prong together it makes a tuning fork.
stem and prong together makes a tuning fork. Now, why are we learning this tuning fork, students? We are understanding this tuning fork is because ये ट्यूनिंग फोक अपने को बताएगा कि साउंड क्रिएट कैसे होता है. ये ट्यूनिंग फोक अपने को बताएगा कि हाउ डज द साउंड क्रिएट, हाउ डज द साउंड जनरेट स्टूडेंट्स, हाउ डज वाइब्रेशन क्रिएट साउंड स्टूडेंट्स. सो व्हाट इज ट्यूनिंग फोक स्टूडेंट्स? ट्यूनिंग फोक इज अ लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट जिसका क्या होता है स्टूडेंट्स, दो प्रोंग्स होते हैं. क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दो प्रोंग्स होते हैं एंड उसको पकड़ने के लिए एक स्टेम होता है स्टूडेंट्स. क्या होता है? उसको पकड़ने के लिए आपके घर पे भी सिंपल पेंडुलम बना सकते हैं स्टूडेंट्स. क्या करने का? वॉल को थ्रेड अटैच करने का. वॉल को स्टूडेंट्स, सीलिंग को थ्रेड अटैच करने का. सीलिंग होता है ना, उसको थ्रेड अटैच करने का. एंड थ्रेड के एंड में यू आर सपोज टू अटैच अ मेटल बॉब या मेटल बॉल स्टूडेंट्स. क्या करने का स्टूडेंट्स? एक मेटल बॉल अटैच करने का. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैंने ये मेटल बॉल को हिलाया, मतलब ये पेंडुलम को हिलाया, तो क्या करेगा स्टूडेंट्स? दिस पेंडुलम विल स्टार्ट मूविंग. द पेंडुलम विल स्टार्ट मूविंग, इजंट इट स्टूडेंट्स? ये जो वॉल्स होते हैं ना पुराने, एंटीक वॉल क्लॉक्स होते हैं स्टूडेंट्स. एंटीक वॉल क्लॉक में कुड यू सी द पेंडुलम अटैच टू इट एट द बॉटम स्टूडेंट्स? वो जो पुराने वॉच होते थे स्टूडेंट्स, उसमें पेंडुलम होता था, राइट? तो वो पेंडुलम क्या करता था स्टूडेंट्स? हिलते रहता था, इजंट इट स्टूडेंट्स? सो हम लोग ये पेंडुलम जब ही वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट पेंडुलम डज एंड वी विल ट्राई टू रिलेट हाउ डज द ट्यूनिंग फॉक वाइब्रेट्स. ठीक है, तो थोड़ा लिंक्ड है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. अच्छा, अभी इस पेंडुलम को स्टूडेंट्स मैंने डिस्टर्ब किया है क्या? हैव आई डिस्टर्ब दिस पेंडुलम स्टूडेंट्स? द पेंडुलम, हैव आई डिस्टर्ब दिस पेंडुलम स्टूडेंट्स? नहीं. तो मैंने क्या किया, पेंडुलम को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया. लेट अस से दिस इज अ पेंडुलम. अभी मैंने क्या किया, इसको डिस्टर्ब किया, तो अभी क्या करने लगेगा स्टूडेंट्स? ये पेंडुलम वाइब्रेट करने लगेगा. एवरीवन नोज हाउ द पेंडुलम वाइब्रेट्स. वो क्या करेगा स्टूडेंट्स? टू एंड फ्रो. ये पेंडुलम क्या करेगा स्टूडेंट्स? टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो. इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. पहले वो किधर जाएगा? लेफ्ट में जाएगा. फिर वो किधर आएगा? राइट. वाइब्रेटिंग एंड विल कीप वाइब्रेटिंग टू एंड फ्रो. नाउ स्टूडेंट्स, ये जब भी आपने पेंडुलम को डिस्टर्ब नहीं किया, पेंडुलम वॉज एट दिस पोजिशन, राइट? पेंडुलम वॉज एट दिस पोजिशन. पेंडुलम वॉज एट दिस पोजिशन. लेट अस से द पोजिशन इज ए, राइट? पेंडुलम वॉज एट पोजिशन ए. ये पोजिशन ए स्टूडेंट, जिसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज रेस्ट पोजिशन. वॉट डू वी कॉल इट एज स्टूडेंट्स? वी कॉल इट एज रेस्ट पोजिशन. द पेंडुलम एट ए इज कॉल्ड एज रेस्ट पोजीशन स्टूडेंट्स. क्या बोलते हैं उसको? रेस्ट पोजीशन. बट वंस आई डिस्टर्ब द पेंडुलम स्टूडेंट्स, वो रेस्ट पोजीशन पे रहेगा क्या? विल दिस पेंडुलम स्टे एट रेस्ट पोजीशन स्टूडेंट्स? नो, द पेंडुलम विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. सबसे पहले क्या करेगा स्टूडेंट्स? अगर मैंने उसको लेफ्ट की तरफ डिस्टर्ब किया, तो सबसे पहले ये पेंडुलम जाएगा लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स. ठीक है, पेंडुलम किधर जाएगा? पेंडुलम विल गो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स. लेट अस से इट रीचेस एट पॉइंट बी. Let us say it reaches that point B. अच्छा, B point पे जाके will the pendulum उधर जाके अटक जाएगा क्या students? Pendulum उधर जाके अटक जाएगा क्या students? नहीं. तो students pendulum क्या करेगा वापस? Inertia के वजह से students. Have we learned this inertia in four students? We have learned inertia, right? तो inertia के वजह से वो pendulum पीछे जाएगा. अच्छा, पीछे जाके students will it stop at point A students? नहीं, वो पॉइंट ए पे नहीं रुकेगा. वो अभी क्या करेगा स्टूडेंट्स? अगेन बिकॉज ऑफ द इनर्शिया वो किधर जाएगा स्टूडेंट्स? इट विल मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड एंड इट विल रीच एट पॉइंट सी स्टूडेंट्स. वेयर विल इट रीच स्टूडेंट्स? इट विल रीच एट पॉइंट सी, इजंट इट स्टूडेंट्स? सो इट विल रीच एट पॉइंट सी. अच्छा, सी पे जाके अटक जाएगा क्या स्टूडेंट्स? सी पे जाके अटक जाएगा क्या स्टूडेंट्स? नहीं स्टूडेंट्स. वो क्या करने वाला है? इट विल कम बैक टू स्टूडेंट्स पॉइंट ए.
But students, because of the inertia, it won't stay at point A. Because of the inertia, it won't stay at point A. Instead, वो क्या करेगा? C से वो B पे जाएगा students. So pendulum का motion जो है, that is the oscillatory motion. मतलब वो क्या करेगा? To and fro students. It will keep moving to and fro. It will keep moving to and fro. So students, पहले अगर ऑब्जेक्ट ये पेंडुलम पॉइंट ए पे था तो व्हेन यू डिस्टर्ब द पेंडुलम, द पेंडुलम गोज टू पॉइंट बी, इट कम्स बैक टू पॉइंट ए, देन इट गोज टू पॉइंट सी. फिर किधर आएगा? ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए बी A C A B A C A B A C A B A C. So students, this is how the pendulum is going to vibrate. This is how the pendulum is going to vibrate. Matlab pendulum will vibrate at its rest position. Students, pendulum kya karega? Wo vibrate karega at its rest position. Pendulum will vibrate at its rest position. Ye rest position hai. Pendulum will vibrate at its rest position, students. So now you can understand how the pendulum vibrates, students. You understood how the pendulum vibrates. Now similarly students, when you hit the tuning fork, आपने ये tuning fork को पकड़ा and जोर से उसको क्या किया? Bang किया students. जोर से उसको क्या किया? Bang किया. So students, can you tell me before banging students, ये जो ट्यूनिंग फोक है उसका प्रॉन्ग्स कौन से पोजीशन पे था? इट वॉज एट रेस्ट पोजीशन. वेरी नाइस स्टूडेंट्स, ये जो ट्यूनिंग फोक है स्टूडेंट्स, इट वॉज एट रेस्ट पोजीशन. द ट्यूनिंग फोक वॉज एट रेस्ट पोजीशन स्टूडेंट्स, राइट? बट जैसे आप उसको बैंग करोगे स्टूडेंट्स, अच्छा ये ट्यूनिंग फोक ऐसे हिलने वाला है क्या? विल ट्यूनिंग फोक मूव वाइब्रेट लाइक दिस स्टूडेंट्स? नहीं. उसके जो प्रॉन्ग्स है ना स्टूडेंट्स, वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? क्या करेंगे वो प्रॉन्ग स्टूडेंट्स? प्रॉन्ग अंदर बाहर करेंगे, isn't it students? प्रॉन्ग्स क्या करेंगे स्टूडेंट्स? प्रॉन्ग्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? दे विल वाइब्रेट अंदर बाहर, isn't it students? सो योर पहले कैसे जाएंगे स्टूडेंट्स? ये जो प्रॉन्ग है वो ऐसे पास में आएंगे स्टूडेंट्स, यस और नो? प्रॉन्ग्स क्या आएंगे स्टूडेंट्स? पास में आएंगे. एंड देन वापस क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रॉन्ग्स ऐसे दूर चले जाएंगे. आर वी अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स? सो प्रॉन्ग्स दे विल कम टुगेदर एंड दे विल अगेन मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. दे विल कम टुगेदर, दे विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर. दे विल कम टुगेदर एंड दे विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर स्टूडेंट्स. सो दिस इज हाउ द ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट्स. इज इट सिमिलर टू हाउ द पेंडुलम वाइब्रेट स्टूडेंट्स? वेरी सिमिलर, राइट? The tuning fork also vibrates around the rest position, students. Around the rest position. The tuning fork also vibrates around the rest position. पहले क्या होता है students? ये tuning fork ऐसा है. Tuning fork कैसा है students? अपने rest position पे students. But जैसे ही मैं इसको क्या करेगा? जोर से vibrate करेगा. वो क्या करेगा students? Tuning fork का prongs पहले अंदर जाएगा. Then it will come to the rest position. And then it will बाहर आएगा students. Again, it will come back to the rest position. फिर वो किधर जाएगा students? अंदर जाएगा. Rest position, बाहर आएगा. Rest position, अंदर जाएगा students. So this is how the tuning fork, students. This is how the tuning fork vibrates. This is how the tuning fork vibrates. Now students, अभी एक example लो students. Let us try to understand with an example students. अगर ऐसे line है, ठीक है, आपने क्या किया? आप अच्छे बच्चे हो सब. स्कूल में आप क्या कर रहे हो स्टूडेंट? स्कूल में आप ग्राउंड पे जा गए. यू हैव फॉर्मड अ लाइन स्टूडेंट्स. अचानक मैंने पीछे वाले बच्चे को जोर से धक्का दिया, डिस्टर्ब किया. क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर मैंने एक बच्चे को जोर से धक्का दिया, ऐसा करता नहीं है मैं, बट आई एम जस्ट सेइंग, अगर मैंने ऐसे जोर से एक बच्चे को धक्का दिया, व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स? करेक्ट, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, isn't it students? The entire students which are standing in the front row students, they all will get
disturbed, isn't it, students? The all students in the front row will get disturbed, isn't it, students? So same thing occurs over here, students. Same thing occurs over here. Let us try to understand what happens. If you try to see, students, if you try to see, ये जो tuning fork है ना, tuning fork, ये जो tuning fork है ना, tuning fork के आजू बाजू में हवा है. क्या है students? Tuning fork के आजू बाजू में हवा है, right? Now if you try to see, if I do not disturb this tuning fork, students, ये हवा कैसा है students? ये हवा कैसा है? Undisturbed है. ये हवा का जो particles है, air का जो particles है students, the air का particles कैसा है students? Undisturbed है, they are not disturbed. Are we understanding this? Air का particles है, they will not be disturbed. If this tuning fork is not disturbed, the air का particles will also be not disturbed. ऐसे आराम से सब line ऐसे खड़ा है. But अचानक से मैंने क्या किया? Tuning fork को vibrate किया. Tuning fork को disturb किया students. Tuning fork के prongs हिलने लगेंगे. Tuning fork के prongs हिलने लगेंगे. Will there be disturbance on the prongs of the tuning fork, students? तो वो क्या करेगा आगे जाके? किसको disturb करेगा students? अगर ट्यूनिंग फोक डिस्टर्ब हो गया तो आगे जाके वो किसको डिस्टर्ब करने वाला है स्टूडेंट्स? एयर के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेगा स्टूडेंट्स. किसको करेगा डिस्टर्ब? एयर के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेगा. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? एयर के पार्टिकल्स को वो डिस्टर्ब करने वाला है. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? सो नाउ इफ यू ट्राई टू इमेजिन दिस स्टूडेंट, इफ यू ट्राई टू इमेजिन दिस, ये पार्टिकल्स है, आर दे इक्विडिस्टेंट स्टूडेंट्स? आर दे इक्विडिस्टेंट एज ऑफ नाउ? ये पार्टिकल्स आर दे इक्विडिस्टेंट एज ऑफ नाउ स्टूडेंट्स? द पार्टिकल्स आर इक्विडिस्टेंट, राइट? द पार्टिकल्स आर इक्विडिस्टेंट. अच्छा, अभी मैं क्या करता है ना, पार्टीशन बनाता है. आई विल मेक पार्टीशंस हियर, ठीक है? एयर के कॉलम्स बनाता है. नाउ इफ यू ट्राई टू सी स्टूडेंट्स, इफ यू ट्राई टू सी, यहां पे स्टूडेंट्स, यहां पे जैसे ही ट्यूनिंग फोक अंदर गया, जैसे ही ट्यूनिंग फोक अंदर गया, अचानक से यहां पे स्पेस ज्यादा हो गया स्टूडेंट्स. ट्यूनिंग फोक के प्रॉन्ग्स व्हेन इट गोज इनसाइड, यहाँ पे स्पेस इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया स्टूडेंट्स? स्पेस क्या हो गया स्टूडेंट्स? द स्पेस इंक्रीजेस, द स्पेस इंक्रीजेस स्टूडेंट्स. तो जैसे ही स्पेस इंक्रीज होगा, ये मॉलिक्यूल्स चिपक चिपक के रहेंगे क्या स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूल्स चिपक चिपक के रहेंगे क्या? नहीं. मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूल जैसे एक्सपैंड हो जाएंगे. व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स गोइंग टू डू स्टूडेंट्स? द मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू expand. The molecules are going to expand. Are we understanding this, students? The molecules are going to expand. Everybody understood this? Everybody understood this so far, students? All right, all right, all right. Abhi let us say, ye tuning fork hai na students? Tuning fork aise ho gaya students? Abhi ye tuning fork ke prongs hai, wo bahar aa gaye. Tuning fork ke prongs, students, kya ho gaye? They come outside, isn't it? So students, yahan pe space kya ho gaya? यहाँ पे स्पेस क्या हो गया स्टूडेंट्स? स्पेस क्या हो गया? कम हो गया, इजंट इट स्टूडेंट्स? स्पेस क्या हो गया? कम हो गया. तो स्टूडेंट्स, जैसे ही स्पेस कम हो जाएगा, ये क्या करेगा? ये जो ट्यूनिंग फोक है, वो एयर के मॉलिक्यूल्स को धक्का दे देगा, इजंट इट? जैसे ही प्रॉन्ग्स बाहर आएंगे, द प्रॉन्ग्स, दे विल पुश द एयर मॉलिक्यूल्स. स्टूडेंट्स, व्हाट इज प्रॉन्ग गोइंग टू डू? द प्रॉन्ग इज गोइंग टू पुश द एयर मॉलिक्यूल्स. सो टेल मी स्टूडेंट्स, ये जो एग मॉलिक्यूल्स है, वो चिपक जाएंगे, चिपक के पास में आ जाएंगे, या वो ऐसे ही यही कंडीशन में रहेंगे? चिपक के पास में आएंगे. विल दे कम टुगेदर और दे विल स्टे एट दिस पर्टिकुलर वे? दे विल कम टुगेदर स्टूडेंट्स. द एग मॉलिक्यूल्स, दे आर गोइंग टू कम टुगेदर स्टूडेंट्स. सी, द एग मॉलिक्यूल्स हैव कम टुगेदर. पहले कैसे थे स्टूडेंट्स एग मॉलिक्यूल्स? हाउ द एग मॉलिक्यूल्स स्टूडेंट्स, they were at equidistance. However, the egg molecules, they were equidistance. All the egg molecules were at equidistance, students. But as soon as you disturb the tuning fork, students, when the prong goes inside, students, lot of space is created here, isn't it, students? Lot of space is created, because of which ye jo egg molecules hai, students, wo kya ho jate hai? Fail jate hai, students. Kya ho jate hai, students? Egg molecules expand, fail jate. But as soon as students, the tuning fork comes out, as soon as the tuning fork expands, kya ho gaya students? Idhar ka jagah kam ho gaya. So wo jo air molecules hai students, what will they do students? They will compress. What will they do students? They will
कंप्रेस ऐसे पास में आ जाएंगे स्टूडेंट्स. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस, एवरीबडी अंडरस्टूड दिस, एवरीबडी अंडरस्टूड दिस. सो नाउ इफ यू ट्राई टू सी स्टूडेंट्स, ये ट्यूनिंग फोक है, एक ही बार वाइब्रेट करता है. दस ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट ओनली वन स्टूडेंट्स, दस ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट ओनली वन स्टूडेंट्स. नहीं, ये ट्यूनिंग फोक कंटिन्यूसली अंदर बाहर अंदर बाहर होते रहता है. Isn't it students? It continuously vibrates to and fro, isn't it? So students, ये जो pattern है, how many times will this pattern form? Because of the vibration of tuning fork, students, this pattern, how many times will this pattern form? Will it form only once or will it form multiple times, students? Correct. This pattern which we see, मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं, मॉलिक्यूल्स पास में आते हैं, मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं, मॉलिक्यूल्स पास में आ जाते हैं. स्टूडेंट्स, ये जो पैटर्न है स्टूडेंट्स, ये कितनी बार होगा स्टूडेंट्स? दिस पैटर्न विल अकर मल्टीपल टाइम्स. द पैटर्न इज गोइंग टू अकर हाउ मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स? द पैटर्न इज गोइंग टू अकर मल्टीपल टाइम्स. एंड स्टूडेंट्स, वॉट काइंड ऑफ एयर कॉलम आर वी गोइंग टू गेट स्टूडेंट्स? वॉट काइंड ऑफ एयर कॉलम आर वी गोइंग टू गेट स्टूडेंट्स? The air column which we are going to get is going to look something like this. This is how we are going to see the air column as. Are you able to see this, students? Are you able to see this? ऐसा अपने को air column दिखेगा. Yes or no? This is how I see the air column, students. So students, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे fork, यहाँ पे कैसा था students? Fork अंदर गया, बाहर गया? ये point पे students, यहाँ ये point पे fork अंदर गया था या बाहर गया था students? ये point पे fork कैसे गया था students? अंदर गया था. अच्छा, ये point पे students fork क्या हुआ? ये point पे fork क्या हुआ students? बाहर आया था. Very nice. अच्छा, ये point पे fork क्या हुआ students? ये पॉइंट पे फोक क्या हुआ स्टूडेंट्स? ऐसे अंदर की तरफ गया. यस, ये पॉइंट पे अगेन फोक बाहर आया, अंदर गया, बाहर आया स्टूडेंट्स. सो इफ यू सी, दिस इज द काइंड ऑफ पैटर्न यू हैव, दिस इज द काइंड ऑफ पैटर्न यू हैव, राइट? दिस इज द काइंड ऑफ पैटर्न यू हैव, दिस इज द काइंड ऑफ पैटर्न यू हैव. कैन यू सी दिस पैटर्न इन योर टेक्सट बुक स्टूडेंट्स? Can you see this pattern on the very first page of your textbook, students? Sound का chapter है. Sound के chapter में अगर आपने ऐसा pattern देखा है, did you see the pattern in the first page of your textbook, students? Yes. So students, if you see, jabhi prongs, when the prongs they go inside, when the prongs go inside, the air expands. The air expands. Whereas when the prong goes outside, the air contracts. Yes, when the prong goes inside, the air expands. Prongs bahar aaya, prongs andar gaya, prongs bahar aaya. Are we understanding this? And this is how the energy travels in the forward direction, students. ये पॉइंट से स्टूडेंट्स वो स्टार्ट हुआ, ये पॉइंट से कंप्रेशन, ये पॉइंट से स्टूडेंट्स ये ट्रेन चालू हुआ. एंड दिस ट्रेन इट स्टार्ट्स मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन स्टूडेंट्स. दिस ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन स्टूडेंट्स. सो दिस इज हाउ द साउंड ट्रेवल्स, द साउंड ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ, द साउंड ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ, जिधर स्टूडेंट्स ये एयर मॉलिक्यूल्स, जिधर स्टूडेंट्स ये एयर मॉलिक्यूल्स दूर चले जाते हैं, जिधर स्टूडेंट्स ये एयर मॉलिक्यूल्स दूर चले जाते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज रेयर फैक्शन. व्हाट डू वी कॉल इट एज स्टूडेंट्स? दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज रेयर फैक्शन. व्हाट इज दैट पॉइंट कॉल्ड एज स्टूडेंट्स? दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज रेयर फैक्शन. वेयर एज स्टूडेंट्स, कैन यू गेस, जिधर एयर मॉलिक्यूल्स पास में आ जाते, जिस पॉइंट पे एयर मॉलिक्यूल्स पास में आ जाते, व्हाट इज दैट पॉइंट कॉल्ड एज? जिधर ये एयर मॉलिक्यूल्स पास में आ जाते हैं स्टूडेंट्स, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज कंप्रेशन. क्या बोलते हैं? कंप्रेशन. व्हाट डू वी कॉल इट एज स्टूडेंट्स? कंप्रेशन. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स,
the sound generates refraction and compression students. What does sound generate students? The sound generates refraction and compression. The sound generates refraction and compression. जब ये एग मॉलिक्यूल्स दूर चले जाते हैं, that point is called as refraction. जब ये मॉलिक्यूल्स दूर चले जाते हैं, what is that point called as? That point is called as refraction. And जब ये मॉलिक्यूल्स पास में आ जाते हैं students, that point is called as compression. What is that point called as students? That point is called as compression. So sound, what does sound consist of? The sound consists of compression and refraction. So refraction aaya. Refraction ke baad kaun aayega students? Refraction ke baad aayega compression. Kaun aayega students? Compression. Acha compression ke baad kaun aayega? Just C and R likho students. Compression ke baad kaun aayega students? Compression ke baad aayega refraction. Refraction ke baad kaun aayega wapas students? Refraction ke baad aayega compression. Wapas aayega refraction. So students, compression is followed by refraction and refraction is followed by compression students. I repeat, compression is followed by refraction and refraction is followed by compression. So compression, refraction students. ऐसे करते 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 students sound क्या करता है? आगे की direction में travel करना चालू कर देता है students. Everybody understood this. Just raise your hands if you have a question, students. Just raise your hands if you have a question. Bindas हाथ ऊपर उठा. Ask if you have anything to ask students. Please raise your hands. I want to listen to your sound, students. Any questions you have, students? Yes, Dinesh. Dinesh, please unmute yourself and ask me your doubt, beta. Sir, I am having a doubt. You have told. Yes, continue, beta. I can hear you. Tell me. Sir, one circle ball that moves. Pendulum. हाँ, pendulum. Yes. उसका क्या बेटा? That we will take two ball we will take, then it will take a stop in time, any time. बेटा नहीं समझा मुझे, क्या बोलने की कोशिश कर रहे आप? सर एक बॉल को लेके ए भी थोड़ा देर में रुक जाएगा ना, वो बॉल ले लाएंगे हाँ, तो वो रुक जाएगा ना, डेफिनेटली. जैसे उसका एनर्जी कम होते होते जाएगा, वो बॉल क्या करेगा, ऐसे धीरे धीरे ऑसिलेट करते करते वो किधर आएगा बेटा? वापस रेस्ट पोजीशन पे आएगा. सर तो हम लोग दो बॉल लेके हम लोग हिला देंगे तो क्या वो रुक जाएगा? बेटा दो बॉल कोलाइड हो जाएगा ना एक दूसरे को, तो मुझे वाइब्रेशन नहीं मिलेगा. जैसे मुझे वाइब्रेशन समझने, ऑसिलेटरी वाइब्रेशन मुझे एक बॉल से ही समझेगा, दो बॉल क्या करेंगे एक दूसरे को कोलाइड करेंगे. मेरा इंटेंशन क्या था? वाइब्रेशन समझने का इंटेंशन था. ठीक है, तो वाइब्रेशन मुझे कैसे अंडरस्टैंड होगा? सिर्फ एक ही बॉल से अंडरस्टैंड होगा. ठीक है दिनेश. यस दिनेश. ऑल राइट. आई होप दिनेश अंडरस्टूड. Yes, beta. Yes, do you have anything else to ask, beta? Dinesh, do you have anything to ask? Sir, no, sir. All right. Yes. So, students, that is about the vibrations. So, students, sound ko travel karne ke liye vibrations zaruri hote hai, students. And jaise hi koi bhi object vibrate karta hai, students. कोई भी वाइब्रेट करता है ऑब्जेक्ट, तभी क्या होता है स्टूडेंट्स, एयर कॉलम में स्टूडेंट्स क्या जनरेट होता है? कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन जनरेट होता है स्टूडेंट्स. एयर का जो कॉलम है, एयर का जो एरिया है, एयर का जो लेंथ है स्टूडेंट्स, उधर क्या होता है? कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन स्टूडेंट्स अचीव होता है. नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन एक्सपीरियंस दिस सिटिंग एट योर हाउस इटसेल्फ. क्या करना है स्टूडेंट्स आपको?
you have to take a palm, you have to place the palm on your hand, I mean on your face. You have to place palm on your face, students. And try talking something, students. कुछ भी बात करो, आपके साथ कुछ भी बात करो. Hi, hello, how are you? I am doing fine. कुछ भी बोलो, students. Now, students, when you do that, palm के ऊपर, students, can you feel air? Can you feel air, students? On the palm, students, can you feel air? Can you feel air when you speak, students? Isn't it, students? So, students, होता क्या है, students? What happens over here is, when you speak, आपका जो गला है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. वो जैसे वाइब्रेट करता है, वो जो ऊपर के आपके मुंह के अंदर जो हवा है स्टूडेंट्स, इट ऑल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. एंड व्हेन द एयर स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, व्हाट इज इट गोइंग टू क्रिएट स्टूडेंट्स? इट इज गोइंग टू क्रिएट कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन स्टूडेंट्स. व्हाट इज इट गोइंग टू क्रिएट? कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन. अच्छा, अभी आपको जो हवा महसूस होती है, द एयर विच यू फील ऑन योर पाम, इज इट कंटिन्यूसली और इसे रुक रुक के आ रहा है, ऐसे आता है, रुक रुक के आता है, कंटिन्यूसली आपको एयर फील होता है हैंड पे स्टूडेंट्स? कंटिन्यूसली आपको एयर फील होता है या रुक रुक के एयर फील होता है स्टूडेंट्स? रुक रुक के होता है. वेरी नाइस स्टूडेंट्स. आपको बीच में, आपको बीच में एयर फील होगा, बीच में एयर फील नहीं होगा, ऐसे बीच बीच में रुक रुक के आपको एयर फील होगा. इजंट इट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, आपके मुंह से जब कंप्रेशन निकलता है, आपके मुंह से जब कंप्रेशन निकलता है, तभी यू कैन फील एयर ऑन द पाम. आपके मुंह से जब कंप्रेशन निकलता है, तभी यू कैन फील द एयर ऑन द पाम. बट जैसे ही आपके मुंह से रेफ्रैक्शन निकलता है स्टूडेंट्स, थोड़े सेकेंड्स के लिए, मिली सेकेंड्स के लिए आपको एयर फील नहीं होता स्टूडेंट्स. यस और नो स्टूडेंट्स? मिली सेकेंड्स के लिए यू विल बी नॉट एबल टू फील द एयर. वापस फिर स्टूडेंट्स, यू विल फील द एयर ऑन द पाम. यस, यू विल फील द एयर ऑन द पाम स्टूडेंट्स. तो आपको हवा कैसे आता है? यू कैन फील द एयर ऑन द पाम, रुक रुक के. इजंट इट स्टूडेंट्स? यू डू नॉट फील द एयर कंटिन्यूअसली स्टूडेंट्स. सो दैट इज बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन स्टूडेंट्स. व्हाट इज दैट बिकॉज ऑफ? दैट इज बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन व्हिच इज अकर्ड व्हेन यू स्पीक. मतलब साउंड कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन स्टूडेंट्स. सो नाउ स्टूडेंट्स, अब एक कॉन्सेप्ट समझो. कंप्रेशन देखो स्टूडेंट्स, कंप्रेशन देखो, लुक एट द कंप्रेशन स्टूडेंट्स. कंप्रेशन में एयर मॉलिक्यूल्स, कंप्रेशन में एयर मॉलिक्यूल्स पास में आ गए, पास में आ गए. फिंगर्स देखो, पास में आ गए ना स्टूडेंट्स, फिंगर्स पास में आ गए. मेक अ फिस्ट स्टूडेंट्स, मेक अ फिस्ट. आपके फिंगर्स को कंसिडर फिंगर्स एज द मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स, कंसिडर फिंगर्स एज द मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स. कंप्रेस देम स्टूडेंट्स, कंप्रेस योर फिंगर्स. Compress your fingers, make a fist. What do you experience, students? ऐसे जोर से उसको दबाओ. Compress करो students, compress करो. What do you feel, students? What do you feel, students? What do you feel? Yes, I want the answer, students. What do you feel when you compress your fingers? What do you feel, students? क्या increase हुआ students? Pressure increase हुआ students. क्या हुआ? Very nice students. What do you experience, students? Pressure increases. When the molecule comes together, कौन इंक्रीज होता है स्टूडेंट्स? प्रेशर इंक्रीज होता है. कौन इंक्रीज होता है स्टूडेंट्स? प्रेशर इंक्रीज होता है. Isn't it students? And जैसे, अच्छा अभी ये फिस्ट बना है ना, उसको छोड़ दो, फिस्ट को छोड़ दो स्टूडेंट्स. स्लोली फिस्ट को छोड़ दो स्टूडेंट्स. क्या कम हुआ? जैसे ही फिस्ट को आपने छोड़ दिया, मॉलिक्यूल्स देखो दूर जा गए स्टूडेंट्स. द प्रेशर डिक्रीजेस. हु डिक्रीजेस स्टूडेंट्स? द प्रेशर डिक्रीजेस. तो स्टूडेंट्स, कंप्रेशन में एयर का प्रेशर क्या होगा? कंप्रेशन में द एयर का प्रेशर विल इंक्रीज. दैट्स वेरी नाइस स्टूडेंट्स. कंप्रेशन में एयर प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज. एंड रेफ्रैक्शन में स्टूडेंट्स क्या होगा? द एयर प्रेशर इज गोइंग टू डिक्रीज. तो स्टूडेंट्स, जैसे ही एयर प्रेशर इंक्रीज होता है या एयर प्रेशर डिक्रीज होता है, उसका डेंसिटी भी क्या होता है स्टूडेंट्स? इंक्रीज या डिक्रीज होता है स्टूडेंट्स. राइट, डेंसिटी भी क्या होता है स्टूडेंट्स? इंक्रीज या डिक्रीज होता है. तो स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ कंप्रेशन, एयर प्रेशर
and density students, air pressure and density. What is going to happen to air pressure and density students? Air pressure and density students, kya hoga? Air pressure and density will increase or decrease students. Air pressure and density will increase or decrease. That's correct, students. The air pressure and density will increase. And what will happen in case of refraction, students? In case of refraction, the air pressure and density. Air pressure and density, students. Kya hone wala hai? Refraction mein air pressure and density is going to decrease. Kya hoga, students? Refraction mein air pressure and density is going to decrease. So, students, sound is nothing but compression and refraction formed in a medium. What is sound, students? Sound is the compression and refraction formed in a medium. I hope everybody understood this. Does anyone have a question, students? All right. अच्छा, जैसे ही वो compression and refraction अपने कान में जाता है, जैसे ही वो compression and refraction, ऐसे compression and refraction आ रहा है students, and वो मेरे कान में गया students. जैसे ही वो मेरे कान में जाएगा, it is going to hit the eardrum. What is it going to hit, students? कान का पर्दा. Have you heard this word? Eardrum, कान का पर्दा. Have you heard this word, eardrum, students? कान का पर्दा, students. Yes. तो students, जैसे ही ये compression and refraction अपने कान के पर्दे को, मतलब eardrum को hit करेंगे students, our eardrum is going to vibrate. Our eardrum is going to vibrate, and because of which, students, we are able to hear, students. And because of which, we are able to hear. तो अपना कान का पर्दा जब वाइब्रेट होता है, जब ये अपना eardrum वाइब्रेट होता है students, तभी अपने को ये सुनने का सेंसेशन आता है. That is when we are able to hear, students. Everybody understood this? All right. Anyone has a doubt, students? Please raise your hands if you have a question. Dinesh, do you have a doubt? Yes, sir. Yes, Dinesh, tell me. Sir, you have told us, sir, that sir, beta Hindi mein chalega. Sir, once you say type that is there, na, sir. कुछ तो ईयर ड्रम मारेंगे तो वाइब्रेट होता है दोस्तों. हाँ, उसका क्या सर? तो आपने बोले थे ना, उसका शेप सब चेंज होता है करके. करेक्ट. हाँ, तो मेरे को समझ रहा नहीं कैसे शेप चेंज होता है करके. बेटा, अगर तूने कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे मारा, हाँ, तो ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर अंदर बाहर करेगा ना. यस सर. तो वैसे ही वो ट्यूनिंग मेटल का बनता है. इफ यू हिट इट, उसके जो प्रॉन्ग्स होते हैं, दे विल मूव इनसाइड एंड दे विल कम आउटसाइड. ओके सर. ठीक है. सो दैट इज हाउ द ट्यूनिंग फोर्स वाइब्रेट्स. ओके सर. ठीक है. ऑल राइट स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, इफ आई वर टू लुक एट सम पॉइंट्स व्हिच वी डिस्कस्ड, स्टूडेंट्स, इफ आई वर टू लुक एट सम पॉइंट्स वी डिस्कस्ड, जस्ट वेट अ सेकंड स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन सम पॉइंट्स हियर. सो इफ यू ट्राई टू सी स्टूडेंट्स, One second. Can you see my screen, students? One second. All right. Can you see my screen? All right. So if I were to discuss few of the points which we saw, students. So humne first point kya dekha, students? The first point we saw was sound is generated by vibrating objects. Vibrating objects kya karta hai, students? Sound generate karta hai. What does vibrating object do, students? It creates sound. The vibrating object creates sound. So this is the first point we saw, students. ठीक है. Laboratory में sound कैसे हम लोग study करते हैं, with help of tuning fork. In laboratory, students, we understand the generation. We study the sound with the help of tuning fork. Tuning fork में क्या होता है, students? It contains two prongs and a stem. Stem पकड़ने के लिए होता है, students. Then, answer this, students. The region in which the air is at high pressure and high density is called as dash. क्या बात है, very nice, students.
The reason, the third point, students, the third point, the region at which the air is at high pressure and high density is called as compression. Compression. क्या होता है students? वो point को हम लोग compression बोलते हैं students. What is it called as? Compression. And what about the fourth point, students? What about the fourth point? The region in which the air is at low pressure and low density is called as, that's correct, students, it is called as rarefaction. Fraction nahi hai, students, it is faction, rarefaction, students, right? And when the sound waves, ye compression and refraction together makes sound wave. Compression, refraction, ye dono mila ke students kya generate karte hai? Sound wave. Kya generate karte hai, students? साउंड वेव. एंड जब भी साउंड वेव अपने कान में पहुंचता है क्या करने लगता है स्टूडेंट्स? अपना ईयर ड्रम, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. जैसे ही वो साउंड वेव स्टूडेंट्स, जैसे ही कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन अपने कान में पहुंचेगा स्टूडेंट्स, अपना ईयर ड्रम क्या करने लगेगा? वाइब्रेट करने लगेगा स्टूडेंट्स, राइट? सो यू कैन क्विकली मेक अ नोट ऑफ दिस स्टूडेंट्स, यू कैन क्विकली मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट स्टूडेंट्स. स्नेहा स्क्रीनशॉट निकाला ना तूने इतने जल्दी? हाँ स्नेहा, स्क्रीनशॉट निकाला ना? ऑल राइट, लिख के लिया. वेरी नाइस. ऑल राइट स्टूडेंट्स, ओके. यू कैन क्विकली नोट दीज पॉइंट्स. And students,